पिछले रविवार को डेट्रॉइट की कहानी समझने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गंगा भाई और मैं सुबह सुबह घूमने निकले। डेट्रॉइट शहर में मेरी दिलचस्पी इसलिए भी है क्योंकि इस जगह पे मेरे पसंदीदा डायरेक्टर जिम जारमुश ने अपनी मूवी ओनली लवर्स लेफ्ट अलाइव की शूटिंग की थी। क्या डेट्रॉइट शहर वाकई में ऐसा दिखता है जैसा कि इस फिल्म में दिखाया गया है, इसको जानने के लिए मैं बहुत ही उत्साहित था। यहाँ के कई एरियाज में आपको इस तरह के खाली और टूटे हुए घर दिखाई देंगे। ये टूटे हुए घर और बिल्डिंग्स का क्या रोमांचक इतिहास है, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा अतीत में जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं 1930 में। एक समय में डिट्रॉइट अमेरिका के सबसे अमीर शहरों में हुआ करता था। 1932 में फोर्ड मोटर्स ने अपना कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ खोला। उसके बाद दो बड़ी कार कंपनीज जनरल मोटर और क्राइसलर ने भी अपना अड्डा यहाँ जमाया। तीनों कंपनीज को बिग थ्री के नाम से भी जाना जाता था। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि आज के समय में जितना रुतबा ट्विटर, फेसबुक और एप्पल कंपनी का है, किसी समय में लगभग उतना ही भोकाल इन तीनों कंपनीज का हुआ करता था। अमेरिकन कैपिटलिज्म का बेशकीमती उदाहरण बना डेट्रॉइट। इन इंडस्ट्री के कारण डेट्रॉइट शहर में रोजगार बढ़ने लगा, इकोनॉमी उफान मारने लगी और प्राचीन काल के भारत की तरह डेट्रॉइट को भी सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। बड़ी भारी संख्या में इस शहर में लोग माइग्रेट करने लगे, खास करके ब्लैक पॉपुलेशन इस शहर में फैक्ट्रीज में रोजगार की तलाश में आने लगी। लेकिन ब्लैक्स और वाइट एक जगह मानो एक म्यान में दो तलवार, एक साथ रहने से इस शहर में नस्लभेदी टेंशन यानी कि रेशियल प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लगी। ये वह भी दौर था जब अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट तेजी से आगे बढ़ रहा था, जहां की ब्लैक्स के प्रति इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने की मुहिम जारी थी। अमेरिकी इतिहास में पुलिस और ब्लैक पॉपुलेशन के बीच की टेंशन हमेशा से ही चलती आई है, लेकिन सबसे खूंखार दौर था 1976 का, जहां डेट्रॉइट में एक रात को पुलिस और ब्लैक्स के बीच में जबरदस्त रायट हुआ, जो कि अमेरिकी इतिहास के सबसे डिस्ट्रक्टिव दंगों में से एक माना जाता है। इस डेट्रॉइट रायट में 43 लोगों की मृत्यु हुई, 1000 लोग इंजर्ड हुए, 7000 से ज्यादा लोगों को जेल हुई और 2000 घर टूटे। इस रायट के बाद से ब्लैक्स और वाइट के बीच में सेग्रीगेशन और भी बढ़ने लगा। इस शहर से वाइट्स की पॉपुलेशन बाहर के एरियाज की तरफ जाने लगी, जिसे कि अमेरिका में सबब एरिया भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी होगा कि जब वाइट्स किसी एरिया को छोड़ के जाने लगते हैं तो अमेरिका में बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन भी इन एरियाज को नज़रअंदाज करते हैं, जिससे कि ब्लैक नेबरहुड में ओवर क्राउडिंग और इकोनॉमिक डिटोरिएशन की स्थिति और भी बदतर होने लगती है। इन एरियाज में हाउसिंग और अच्छे स्कूलिंग की समस्या बढ़ने लगती है, एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन बढ़ने लगता है और गरीबी के कारण क्राइम भी बढ़ने लगता है। इसलिए इस शहर में ब्लैक्स की सिचुएशन और खराब होने लगी। अगर हम फैक्ट्रीज की बात करें तो धीरे धीरे अमेरिका के इन तीनों बिग थ्री को भी बाहर की मोटर कंपनी से भारी कंपटीशन सहना पड़ा। खासकर मोटर इंडस्ट्रीज में जैपनीज, कोरियन और जर्मन मोटर कंपनीज का दबदबा बढ़ने लगा। गलत आर्थिक नीतियां और कुछ हद तक सोशल प्रॉब्लम के कारण डेट्रॉइट में धीरे धीरे इन बिग थ्री की लंका लग गई। क्योंकि डेट्रॉइट की पूरी इकोनॉमी इन मोटर कंपनीज पे ही निर्भर थी, इसलिए जब ये कंपनीज डूबी तो डेट्रॉइट शहर भी पूरी तरह से डूब गया और यहाँ एक समय में बैंकरप्सी की स्थिति पैदा हो गई। भारी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए, गरीबी बढ़ने लगी और बहुत से लोग इस शहर को छोड़ के जाने लगे। ये खाली और टूटे हुए घर उन्हीं लोगों के हैं जो इस शहर में अमेरिकन ड्रीम फुलफिल करने के लिए आए थे, लेकिन अब वो इस शहर से वापस जा चुके हैं, अमेरिकन ड्रीम के ढकोसलेपन का एक उदाहरण। और ये है वो एरिया जहां मैं और गंगा भाई आज घूमने आए हैं। किसी समय में यहां बिग मोटर्स की फैक्ट्रीज हुआ करती थी, शानदार इमारतें हुआ करती थी जो कि आज के समय में खंडर बन चुकी हैं। दूर से देखने में ये अमेरिका की बिल्डिंग्स कम और भारत के बिजली विभाग की बिल्डिंग्स ज़्यादा लग रही हैं। भारी संख्या में यहाँ अबंडेंड भूतिया हाउस हैं। डेट्रॉइट में ही एक 8 माइल्स नाम की जगह है, जिसे कि रैपर एमिनेम ने अपनी मूवी 8 माइल्स से फेमस किया था। ये बाउंड्री US में सबसे ज़्यादा मर्डर रेट के लिए इनफेमस है, जहाँ पर यह बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा एम्प्टी प्रॉपर्टीज़ हैं। अमेरिकी कैपिटलिज्म के खोखलेपन का
बेशकीमती उदाहरण डेट्रॉइट। Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quarenta straniera, perché sennò anche se un giorno la porta sarà aperta lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta. Questi stanno rubandomi la vita.